In this video, we will discuss Pakistan affairs, past paper 2021. So, first question, हम देखते हैं. Enumerate the measures adopted by Pakistan to stop light on the light of Kashmir people in the Indian occupied Jammu and Kashmir after 5 August 2019. So, Pakistan measures to spotlight the light of Kashmir people after 5 August 2019. Following the revocation of Jammu Kashmir special status by India on 5 August 2019, Pakistan adopted several diplomatic, political, and media strategies to highlight the situation in Indian administered Kashmir. So, 5 August 2019, when Kashmir Awam ki halat ko ujagar karne ke liye Pakistan ke kya kya ikdamat the, Pakistan ne 5 August 2019 ko Bharat ki janib se Jammu Kashmir ki khususi haisiyat ko yani ki khatam karne ke baad hasad ke upar Kashmiriyon ka muqadma lada. Pakistan ne yani ki jo Bharatiy maqbooza Kashmir ke Kashmiri the unko unke jo halat the unko ujagar karne ke liye har sat tak ke upar kaam kiya, chahe wo safarti ho, siyasi ho ya media ke hikmat amli ho. So diplomatic effort, Pakistan diplomacy focused on gathering international support and raising awareness about the situation in Jammu and Kashmir. To iske hawale se Pakistan ne jo hai wo safarti koshishen ki aur Pakistan ki safaratkari ka jo markaz hai wo Jammu Kashmir ki surat-e-haal ke bare mein bain al-aqwami jo support hasil karna tha aur isme aagahi badhana tha. और पाकिस्तान ने जो इकदाम किए उसमें इंसानी हकों की खिलाफ वर्जी और कश्मीरी आवाम को जो यानी कि चैलेंजेस जो उनके सामने थे उनको हल करने के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें की. सो रेजिंग द इशू एट इंटरनेशनल फोरम बैन अलावा यानी फोरम के ऊपर पाकिस्तान ने मसला उठाया कश्मीर का और जो मतलब बैन अलावा यानी प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मुस्तकिल तौर पर कश्मीर के मसले को उजागर किया जिसमें यूनाइटेड नेशंस है यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वामे मुत्तहिदा की जो जनरल असेंबली का इजलास था और अक़वामे मुत्तहिदा के अहदेदार थे उनमें सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातों में कश्मीर की सूरत हाल को उन्होंने उजागर किया. कश्मीर की सूरत हाल के बारे में बताया. इसके अलावा ओआईसी के ऑर्गेनाइजेशन यानी इस्लामिक ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पाकिस्तान ने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा. पाकिस्तान ने ओएसी में अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ किया और कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर मजम्मत की और इसके ऊपर बाकी ममालिक से भी मजम्मती बयान दिलवाए. देन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर जो है पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर जो है बहस के लिए जोर दिया. इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी और जो बाकी जो गैर कानूनी हिरासत वगैरह थी और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन के जो उनको इसमें मुश्किलात थी यानी ब्लैकआउट था इस रीजन के अंदर इसके हवाले से पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई. देन इंगेजमेंट्स विद फॉरेन गवर्नेंस और पाकिस्तान ने जो है अपने डिप्लोमेटिक जो मिशन यानी कि मिशन थे उनको एक्टिवली इंगेज किया उनके लिए फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ पार्लियामेंटेरियंस के साथ और रिपोर्ट्स और डोजियर शेयर के ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के ऊपर जो कि कश्मीर में हो रहे थे. और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनकरेज अलाइड कंट्रीज टू रेड द इशूज विद इंडिया एंड इंटरनेशनल फोरम्स. देन लेटर्स टू इंटरनेशनल बॉडीज को पाकिस्तान ने जो है वो लेटर्स लिखे यानी उस वक्त के जो वज़ीर आज़म इमरान खान थे उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अलावा बाकी जो बैन अक़वामी इदारे थे उनको भी खतूत लिखे कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर. वज़ीर आज़म इमरान खान ने तवज्जो देने का कहा और इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की अपील की. देन मीडिया एंड पब्लिसिटी कंपेन्स और बाकी जो पाकिस्तान ने बाकी जो आलमी यानी के तौर पर उनको आगाह करने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ जो मीडिया के टूल्स थे उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की. मुख्तलिफ कंपेन्स को यूज़ किया. सो लॉन्चिंग एन इंटरनेशनल मीडिया कंपेन पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड मीडिया आउटलेट्स लॉन्च एन इंटरनेशनल कंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कश्मीर इशू. दिस इंक्लूड्स रनिंग एडवर्टाइजमेंट्स इन इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंटेरियंस एंड न्यूज़ सेगमेंट्स हाइलाइटिंग द प्लाइट ऑफ कश्मीर पीपल. मीडिया हाउसेज वर एनकरेज टू प्रेजेंट द कश्मीरी नैरेटिव इन ग्लोबल लैंग्वेजेस एंड मेजर न्यूज़ नेटवर्क्स लाइक अल जजीरा एंड बीबीसी वर अप्रोच टू कवर द कॉन्फ्लिक्ट. यानी बैन अलावा मीडिया के अंदर पाकिस्तान ने की जो हुकूमत थी और उसने मीडिया ने कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ मुहिम चलाई. इसके अलावा जो अखबारात के वगैरह के अंदर भी ये कश्मीर का मसला शाया करवाया. इसके अलावा कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर जो एक दस्तावेजी फिल्म भी बनाई गई और उसे फिर यानी कि न्यूज़ के जो मुख्तलिफ हिस्से इसके लिए तैयार किए गए.
اور باقی جو میڈیا ادارے تھے ان کے اندر جو مختلف عالمی زبانیں تھیں ان میں جو کشمیری بیانیاں ہیں وہ پیش کرنے کی جو تجویز دی گئی تھی. اس کے علاوہ جو بڑے نیوز نیٹورکس ہیں جیسے الجزیرہ ہے, بی بی سی ہے, ان کو بھی استعمال کیا گیا کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے. دین سوشل میڈیا ایکٹیویزم, پاکستان یوٹیلائز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز لائک ٹویٹر, فیس بک اینڈ یوٹیوب ٹو ریچ اے گلوبل آڈینس. ہیش ٹیگ لائک اسٹینڈ ود کشمیر اینڈ کشمیری بلیڈ وار یوز ٹو ایمپلیفائی دا میسج. سو گورنمنٹ آفیشیل اینڈ سیلیبرائٹس اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ شیئر اسٹوریز, پکچرز اینڈ ویڈیوز شوئنگ دا ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی دا کشمیری پاپولیشن. اور اس کے علاوہ جو ہے سوشل میڈیا میں ایکٹیویزم, پاکستان نے ٹویٹر کو, فیس بک کو, یوٹیوب کو, اس طرح کے پلیٹ فارمز کو استعمال کیا. اور اسٹینڈ ود کشمیر, کشمیر پلیٹ جیسے جو تھے ہیش ٹیگ استعمال کیے اس ٹویٹر فورم کے اوپر. اور اس کے علاوہ جو باقی عہدیدار تھے اور باقی جو جن کے شخصیات تھے یا سماجی کارکن تھے انہوں نے کشمیر عوام کو جو جن کے مشکلات ان کو حوالے سے جو مشکلات تھیں ان کو ان کی کہانیاں, ان کی تصاویر, ان کی ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کیں. تو پولیٹیکل موبلائزیشن اینڈ آبزرونس, پاکستان پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ سول سوسائٹی ایکٹیولی انگیج ان پروٹیسٹ آبزرونس اینڈ سولیڈریٹی ایکشن ٹو کیپ دا فوکس آن کشمیر. اور باقی جو سیاسی قیادت ہے یا سول سوسائٹی ہے انہوں نے احتجاجات کیے, مشاہدات کیے. اس کے علاوہ باقی جو اس طرح کی سرگرمیاں تھیں ان کے اندر حصہ لیا تاکہ کشمیر کے اوپر جو ہے توجہ دی جا سکے. اینڈ آبزرونگ کشمیری سولیڈریٹی ڈے, پاکستان ڈکلیئرڈ 5 فیب ایز اے کشمیری سولیڈریٹی ڈے ٹو ایکسپریس سپورٹ فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. سو آن دس ڈے اسپیشل ایونٹس, پروسیشنز اینڈ ریلیز وار آرگنائز اکراس پاکستان اینڈ پاکستانی ایمبیسیز ورلڈ وائڈ. اسپیچز بائی دا پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اینڈ ادر آفیشلز ری افرم پاکستان کمٹمنٹ ٹو دا کشمیر کاز. سو 5 فروری کو جو ہے یوم یکجہتی کے طور پر یعنی کہ پاکستان کے اندر منایا جاتا ہے, یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر. اور باقی جو جموں اینڈ کشمیر کے عوام ہیں ان کے ساتھ سپورٹ کا اظہار کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے خصوصی تقریبات ہوتی ہیں, جلوس ہوتے ہیں اور ریلیاں وغیرہ پاکستان کے اندر نکالی جاتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے یعنی کہ جو سفارت خانے ہیں دنیا میں وہاں پر بھی تقریبیں جو ہیں وہ منعقد کی جاتی ہیں, تقریب وغیرہ. سو اس کے علاوہ جو وزیر اعظم ہوں یا صدر ہوں, جو باقی عہدیدار ہوتے ہیں, وہ کشمیر کاز کے ساتھ تقریر کرتے ہیں اور پاکستان کی جو عوامی ریلیاں ہیں ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. سو پبلک ریلیز اینڈ پروٹیسٹ, پاکستان ہیلڈ لارج اسکیل ریلیز اینڈ پروٹیسٹ ڈومیسٹیکلی اینڈ گلوبلی ٹو کنڈیم دی گورنمنٹ, انڈین گورنمنٹ ایکشنز ان جموں اینڈ کشمیر. پاکستانی ڈیسپورا آلسو آرگنائز پروٹیسٹ ان میجر سٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ انکلوڈنگ لندن, نیو یارک, برسلز ٹو وائس اپوزیشن ٹو انڈیا ایکشنز اینڈ ٹو ایڈوکیٹ فار کشمیر رائٹس, کشمیری رائٹس. اس کے علاوہ جو باقی احتجاج کیے جاتے ہیں پاکستان ملک کے اندر اور عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ جموں کشمیر کے لیے بھارتی حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کی مذمت کرنے کے لیے مختلف یعنی کہ تقریب کا انعقاد کرتا ہے, بڑے پیمانے کے اوپر ریلیاں نکالی جاتی ہیں, احتجاج وغیرہ منعقد کیے جاتے ہیں. اور پاکستان جو دنیا کے جو بڑے شہر ہیں جس طرح سے لندن ہے, نیو یارک ہے, برسلز ہے, اس میں بھی بھارت کے خلاف جو بھارت کے اقدامات ہوتے ہیں ان کے خلاف پاکستانی احتجاج کرتے ہیں اور کشمیری حقوق کے لیے جو ہے آواز اٹھاتے ہیں. سو 5 اگست 2019 پاکستان ہیز اڈاپٹیڈ اے ملٹی فیسٹڈ اپروچ ٹو سپورٹ لائٹ پلیٹ آف کشمیری پیپل. دس اپروچ ہیز انکلوڈ ڈپلومیٹک میئرز, میڈیا کمپینز, پبلک موبلائزیشن اینڈ ایڈوکیسی ایٹ انٹرنیشنل لیگل فورم. So Pakistan continues to call for a peaceful resolution of the Kashmir conflicts, emphasizing the right of self-determination of for the Kashmiri people under international law. So Pakistan ka hamesha ye mauqaf raha hai ki jo aqwam mutahida ki qarardad hai usi par amal kiya jaye Kashmir ke hawale se aur Kashmir mein voting karwai jaye aur is masle ka hal nikala jaye. So next question, ہم دیکھتے ہیں, explain Afghans owned Afghan or led a solution of Afghanistan crisis. So phrase Afghans owned Afghan led refers to proposed approach for resolving the crisis in Afghanistan. It emphasizes that any solution to the country issue should be developed and implemented by Afghanistan themselves rather than being opposed by being forums. یعنی افغان کے جو زیر ملکیت افغانوں کی قیادت ہے ان کے حل کو ہم نے وضاحت کرنی ہے, اس کے حل کی. تو افغانوں کے زیر ملکیت افغانوں کی قیادت, اس کا مطلب کیا ہے کہ افغانستان کے بحران کے حل کے لیے اس کو یہ فریز پیش کی گئی تھی اور اس کا جس میں یہ اس بات پر زور دیا گیا کہ جو افغانستان کے مسائل ہیں ان کا کوئی بھی حل خود افغانوں کے ذریعے یعنی کہ نہیں نکال سکتا, اور اس کے علاوہ جو باقی یعنی اس کا حل جو ہے اس مسئلے کا حل خود افغانوں کے ذریعے بنائے اور نافذ کیا جائے تاکہ جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کے
نہ کہ بیرونی طاقتوں کے ذریعے یعنی کہ حل نکالنے کی کوشش کی جائے. اسی لیے افغان اون افغان لیڈ کا فریز کو یوز کیا گیا. سو بیک گراؤنڈ آف دا افغانستان کرائسس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ افغانستان کہ جو بڑے عرصے تک اس کے اندر تنازعات جاری رہے, اس میں عدم استحکام کا سامنا کیا افغانستان نے, اس میں جو باقی سوویت یونین کی مداخلت رہی 1979 سے 1999 تک, پھر طالبان کا عروج آیا 1996 سے 2001 تک, اس کے بعد پھر افغانستان کے اندر بین الاقوامی مداخلت وغیرہ سے شروع ہو گئی تھی. اگر ہم کرنٹ سچویشن کی بات کرتے ہیں تو باقی جو افغان دھڑے ہیں ان کے درمیان تنازعات رہے اور معاشی مشکلات اور اس کے علاوہ انسانی بحران نے بھی عدم استحکام کو بڑھا دیا. دین پرنسپلز افغان اون افغان لیڈ افغان اونرشپ اینڈ ڈیفینیشن اینڈ سگنیفیکینس. تو جو یعنی کہ اس افغان کی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ افغان خود اپنے مسائل کے حل کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. افغانوں کی جو تیار کردہ حل ہوگا وہ زیادہ مؤثر ہوگا, اور کیونکہ وہ مقامی ضروریات حالات کے مطابق یعنی کہ اس کو اپنے حکمت عملیہ بناتے ہیں. تو افغان لیڈرشپ دین ڈیفینیشن اینڈ سگنیفیکینس, افغان رہنماؤں کو بحران کے حل کی عمل کی قیادت کرنی چاہیے. بین الاقوامی کردار کا جو یعنی کہ اس کو بین الاقوامی طور پر اگر کوئی ملک سپورٹ کرتا ہے تو بھی سپورٹ یعنی کہ ان کو ان کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کرنا چاہیے, اور باقی جو مقامی قیادت ہے اس بات کو یہ یقینی بناتی ہے کہ جو عمل ہے وہ افغانستان کے ثقافتی ہو, سماجی ہو یا سیاسی تناظر, اس کو یہ ظاہر کرتا ہے. سو کی امپلیمنٹس آف دا اپروچ انٹر افغان ڈائلاگ, انکریجنگ ڈائلاگ امنگ ویریس افغان گروپس انکلوڈنگ دا گورنمنٹ اپوزیشن فیکشن اینڈ سول سوسائٹی. افغان گروپ اس میں حکومت بھی مخالف دھڑے بھی اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے درمیان جو ڈائلاگز ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو حکمرانی ہے یا سلامتی ہے یا باقی ایسے مسائل ہیں ان کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے. سو آبجیکٹیو ٹو ریچ کنسنسس آن ہاؤ ٹو ایڈریس کی ایشوز لائک گورننس سیکورٹی اینڈ ریکنسٹرکشن. تو پھر اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کس طرح سے جو باقی جو یعنی کہ افغانستان کی کوششوں کی امداد ہے, جو سفارتی حمایت فراہم کرنا ہے, تو یہ عالمی برادری کو ہی فراہم کرنی چاہیے. باقی جو افغانستان کی خود مختاری ہے یا فیصلہ سازی کے عمل کا یعنی کہ احترام بھی کرنا چاہیے اس کا, اور اس کے علاوہ جو وسائل ہیں اور ان کو افغانستان یوز کر سکیں, اور اس کے علاوہ ان کے اس حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. سو ensuring that all segments of Afghan society including women, ethnic minorities, rural populations are included in the decision making process to foster national unity, ensure that all voices are heard in shaping the future of the country. To is baat ko yakeeni banana ke Afghan jo muashra hai uski tamam jo tabke hain usme khawateen hai ya baaki nasli aqliyatein hain ya unki dahi abadi hai unko faisla saazi ke amal mein shamil kiya jaye, qaumi ittehad ko farogh diya jaye, is baat ko yakeeni banaya jaye ki jo mulk ka mustaqbil hai uski اس کو بنانے میں تمام آوازیں سنی جائیں گی. سو چیلنجز اینڈ کنسیڈریشن ٹرسٹ اینڈ یونٹی, بلڈنگ ٹرسٹ امنگ ڈفرنٹ افغان فیکشنز اینڈ اچیونگ ا یونیفائیڈ ویژن فار دا کنٹری اینڈ ایفرٹ مسٹ ایڈریس ہسٹوریکل گریونسز اینڈ پروموٹ ریکنسیلیشن. باقی جو جن کے مختلف افغان گروپس ہیں ان کے درمیان اعتماد کو قائم کرنا, ملک کے لیے ایک متحدہ ویژن حاصل کرنا ضروری ہے. کوششوں کی تو جو اس کے علاوہ کوششوں میں جو تاریخی یعنی کہ ان کے اندر غم غصہ ہے یا اس کو بھی جو ہے اس کو بھی حل کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں مین کے جس میں ہمسایہ ممالک ہیں یا بڑی عالمی طاقتیں ہیں ان کے انفلوئنس کو سنبھالنا افغانستان کے انٹرنل ڈائنمکس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بین الاقوامی جو مدد ہے وہ افغانوں کی ملکیت اور قیادت کو نقصان نہیں پہنچائے گی. سو افغان اونز افغان لیڈ سولوشن انڈرسکورز دی امپورٹنس آف افغان انیشیٹیوز ان ریزولونگ دا country crisis by prioritizing local ownership and leadership. This approach aims to create a more stable and self-sufficient Afghanistan with international actors providing supportive rather than prescribed roles. تو اس کے علاوہ اس کے لیے جو افغانوں کے زیر ملکیت افغانوں کی قیادت کا حل ہے افغانستان کے بحران کے حل کرنے میں افغان قیادت کی اہمیت کے اوپر زور دیتا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جو مقامی ملکیت ہے یا قیادت ہے اس کو ترجیح دے کر زیادہ مستحکم اور خود کفیل افغانستان بنایا جا سکتا ہے, جبکہ بین الاقوامی جو کردار ہے یا سپورٹ ہے وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن یعنی کہ اس طرح سے افغان یعنی کہ انٹرنیشنل ایکٹ جو سپورٹ ہو وہ اس سپورٹ ہی پرووائڈ کی جانی چاہیے, بلکہ اس کو یعنی کہ پرسکرپٹیو رول ان کا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. تو نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں, ہاؤ سی پیک فیز ٹو
will galvanize industrialization and employment in Pakistan. CPEC phase 2 impact on industrialization and employment in Pakistan. So overview of CPEC and phase 2 focus. تو سی پیک جو ہے وہ چین اور پاکستان کے درمیان ایک بڑا انفراسٹرکچر اور اقتصادی ترقی کا منصوبہ ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ کنیکشن کو بہتر بنایا جائے معاشی ترقی کے اوپر توجہ دی جائے دین فیز 2 کی جو توجہ ہے مین کے بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر اس فیز 2 کی جن کی توجہ ہے جس میں 57 ہے اقتصادی زونز ہیں اور اس کے علاوہ جو روزگار کو جن کے کریٹ کرنے کے حوالے سے اس کی اہمیت کے اوپر فوکس 2 فیز 2 فوکس کے اندر یعنی کہ زور دیا گیا ہے اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن بوسٹ ڈیولپمنٹ آف اسپیشل اکانومک زونز کریشن آف اسپیشل اکانومک زونز فیز 2 پلانز ٹو اسٹیبلش سیول اسپیشل اکانومک زونز اکراس پاکستان تو اس طرح سے جو باقی یہ زونز ہیں یعنی کہ سنتوں کے لیے سازگار حالات فراہم کرتے ہیں اس میں ٹیکس مراحت ہو یا باقی بہتر انفراسٹرکچر اس کے اندر شامل ہوتا ہے اگر ملک کی جو سرمایہ کاری ہوتی ہے اس کو اپنی طرف جو یعنی کہ یہ اسپیشل زونز ہوتے ہیں وہ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور نئی سنتیں بنتی ہیں پھر موجودہ جو سنتیں ہوتی ہیں ان کے اندر توسیع ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو باقی پاکستانی سنتیں ہیں ان کی پیداواری صلاحیت اور کے اندر بھی اضافہ ہو سکتا ہے دین اپر گریڈیشن آف دس انڈسٹریل انفراسٹرکچر ماڈرن فیسلٹیز ایفیشنسی امپرومنٹ دین ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر جو ماڈرن فیسلٹیز جس میں یعنی کہ پاکستان کی جو سنتوں کی پیداواری صلاحیت ہے وہ مزید بہتر ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی کا جو منتقل ہے مین کے چینی جو کمپنی ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی لاتی ہیں اور جو مقامی سنتیں ہیں ان کے ذریعے پھر وہ یعنی کہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو یوز کیا جا سکتا ہے دین پروموشن آف سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سپورٹ پروگرامز اینڈ ایکسیس ٹو ریسورسز اینڈ اکنامک ڈائیورسیفیکیشن سپورٹ پروگرامز بھی اس کے لیے یعنی کہ اس کی مدد کے لیے مطلب مختلف ایسی ایمز اور ایسی ایسی اقدامات جو ہے وہ اس کو یوز کیا جاتا ہے باقی جو یعنی کہ وسائل تک رسائی ہے ٹیکنالوجی ہے یا منڈیوں تک رسائی ہے اس طرح کے پروگرامز ہیں وہ مزید بہتر ہو جاتی ہے باقی معاشی ترقی ہو کے اندر بھی ایسی ایمز جیسے پروگرام جو ہے اپنا رول پلے کرتے ہیں اور اس کے جو یعنی کہ مختلف شعبے ہیں مطلب ان کے جابس کے حوالے سے بہت سارے جابس کریٹ ہوتے ہیں لائک مینوفیکچرنگ ہے لاجسٹکس ہے اور باقی سروسز ہیں سو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جاب کریشن انڈسٹریل زون ڈائریکٹ امپلائمنٹ اینڈ ڈائیورس رولز نیو فیکٹریز انڈسٹریل فیسلٹیز کریئر تھاؤزنڈ آف دا ڈائریکٹ جاب جب نیو فیکٹریاں لگتی ہیں تو پھر مزید ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ جابس کریٹ ہو جاتی ہیں دین امپلائمنٹ اپرچونیٹیز اسپین ویریس سیکٹرز انکلوڈنگ مینوفیکچرنگ لاجسٹکس سروسز سو باقی جو سکلز ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ووکیشنل ٹریننگ انکلیوڈ ہے کولابریشن ہے ود چائنیز فرم کے ساتھ انہینس امپلائمبلٹی تو اس کے علاوہ جو یعنی کہ چینی کمپنیوں کے ساتھ جو ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ جو یعنی کہ ماڈرن انڈسٹریز کے لیے سکلز کو بہتر بنایا جائے باقی جو چائنیز کمپنی ہیں وہ ٹریننگ اور سکلز کی ڈیولپمنٹ بھی پرووائڈ کرتی ہیں لوکل امپلائیز کے لیے اور اس کے علاوہ جو بیٹر اسکل ورکرز ہیں وہ آر مور لائکلی ٹو سیکیور ہائر پیئنگ جابز یعنی جن ورکرز کے پاس بیٹر اسکل ہوتی ہے وہ ان کے ہائر اسکور جن کے وہ ہائر پیئنگ جاب سیکیور کرتے ہیں اور اپنے کیریئرز کے اندر یعنی کہ کیریئرز کے اندر ان کو مزید جو ہے وہ ان کو ترقی کرنے میں آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے دین لوکل اکانومک گروتھ سپورٹ سروسز انکریز انڈسٹریل ایکٹیویٹیز فاسٹ گروتھ ان سیلری بزنس سچ ٹرانسپورٹیشن لاجسٹکس اینڈ ریٹیل دین کمیونٹی بینیفٹس لوکل کمیونٹیز ایکسپیرینس اکانومک اپ لفٹ ڈیو ٹو انکریز اسپینڈنگ پاور اینڈ بزنس ایکٹیویٹیز اس سے پھر جو انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں لائک لاجسٹکس ٹرانسپورٹ اور ریٹیل کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے باقی جو کمیونٹیز کو بھی کافی فوائد ملتے ہیں ان کے مقامی کمیونٹیز جو ہے ان کو معاشی فائدہ اس سے ملتے ہیں اور ان کی خریداری کی قوت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے قربانی ان کی سرگرمیوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے بزنس ایکٹیویٹیز انکریز ہو جاتی ہیں سو لانگ ٹرم اکانومک بینیفٹس اگر ہم دیکھیں جس میں سسٹینیبل گروتھ ہے اور اکانومک ڈائیورسیفیکیشن تو اس طرح سے جو صنعتی ترقی ہے اس سے جو یعنی روایتی شعبے میں ان کے زراعت ہے اس کے اوپر انحصار کم ہو جاتا ہے معاشی استحکام کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہیں یعنی کہ اس میں اور جو اس کے علاوہ اس کا یعنی کہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو اس سے انڈسٹریز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر ایکسپورٹ کی جو ایکسپورٹ کے اندر یہ ایکسپورٹ بڑھتا ہے پھر ٹریڈ بیلنس مزید بہتر ہو جاتی ہے دین انہینسڈ ریجنل ڈیولپمنٹ اسپیشل اکانومک زونز اینڈ انڈسٹریل پروجیکٹس آر ڈسٹریبیوٹیڈ اکراس ویریس ریجنز پروموٹنگ بیلنس ریجنل ڈیولپمنٹ
तो इसके अलावा जो संती मुतलिफ यानी कि मनसूबे हैं SEC में फैले हुए हैं वो मुतलिफ यानी कि जो मुतवाजन इलाकाई तरक्की को फ़रोग देने में मदद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट है इस यानी कि जो इसके अंदर बेहतरी आती है और बाकी जो मईशत की बाकी जो शोबे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह से मजमू तरक्की भी मुमकिन हो जाती है। सो CPEC फेज़ टू इज़ पोज टू सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप। अगर CPEC जो फेज़ टू है पाकिस्तान की जो सनती तरक्की और रोज़गार के मंजरनामे के ऊपर काफ़ी असरार डालता है और इस तरह से जो बाकी मुसर तरीके हैं यानी कि बाकी मुसर तरीके से जो नाफिज किया गया फेज़ टू है वो सनती तरक्की के अंदर रोज़गार को क्रिएट करने में मुआशी तरक्की के आमनी की वजह बनता है और बाकी जो पाकिस्तान के खित्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो अहम एक जो है वो एक अहम जो है प्लेयर बन जाता है रीजनल अपने इकोनॉमिक डायनेमिक्स के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर पाकिस्तान सिग्निफिकेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सो इसमें जो पाकिस्तान के अंदर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके वसाइल और पाकिस्तान के लिए इनकी अहमियत क्या है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं से मुराद ये है कि ये वो तवानाई है जो कुदरती ज़राए से हासिल होती है और फिर मुसलसल दस्तियाब भी रहती है इनकी जिस तरह से सूरज की रोशनी है हवा है पानी है। तो पाकिस्तान के लिए ये जो यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज हैं तवानाई के वसाइल हैं और तवानाई की जरूरत को पूरा करने में ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान करंट एनर्जी शॉर्टेजेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स पाकिस्तान फेसेस सिग्निफिकेंट एनर्जी शॉर्टेजेस विद फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस अफेक्टिंग होम बिजनेसेस इंडस्ट्रीज। द कंट्री रिलाइज हेवीली ऑन इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल एंड गैस विच आर नॉट ओनली कॉस्टली बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो पाकिस्तानी के अंदर जो तवानाई की शदीद कमी है उसकी वजह से जो घरों कारोबारों बाकी जो सनते हैं उनके ऊपर बार बार लोड यानी कि उनको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। मुल्क का ज़्यादातर इनसार दरामदशुदा यानी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हो गया है और बाकी जिस तरह से तेल है गैस है और ना सिर्फ ये फिर महंगा मिलता है बल्कि माहौल को भी आलूदा कर देता है। देन इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स रिडक्शन इन कार्बन एमिशंस एंड लेस पोल्यूशन। सो इसके अलावा जो एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जिनके इनके जरिए जो फसल ईंधन है उनके मुकाबले में बहुत कम जो ना होने के बराबर ग्रीन हाउस गैसेज का खारिज करते हैं जो माहौलियाती तब्दीली से निपटने में भी हेल्प करता है। बाकी जो जिनके लेस पोल्यूशन है यानी रवायती तवानाई के जो ज़राए हैं जिसमें रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक हवा पानी की आलूदगी ये कम होती है और बाकी जो अवामी सेहत है और माहौल का यानी कि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड है उसमें बेहतरी आती है। सो इकोनॉमिक एडवांटेजेस जॉब क्रिएशन एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो इसके अंदर जो बाकी जो यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज हैं यानी तवानाई के मनसूबे इनकी तरक्की और उनकी देखभाल जो है वो मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के किनारे जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देती है जिसमें टेक्नोलॉजीज है मैन्युफैक्चरिंग है बाकी और इसके अलावा इसके अंदर आता है कंस्ट्रक्शन यानी तमीरात वगैरह। देन एनर्जी इंडिपेंडेंस यूटिलाइजिंग लोकल रिन्यूएबल्स और रिसोर्सेज रिड्यूस द नीड फॉर एनर्जी इंपोर्ट विच कैन इंप्रूव द कंट्री ट्रेड बैलेंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसके अलावा जो है ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज उनके ज़राए बड़ी मकदार में मौजूद है और बाकी आइंदा नस्ल के लिए भी एक मुस्तहकम तवानाई का जरिया दे सकते हैं जिनमें फसल ईंधन वगैरह भी मौजूद हैं और इसके अलावा तवानाई के मनसूबे जो हैं वो मकामी तरक्की को फ़रोग दे सकते हैं जो बाकी जो दूर दराज इलाके में बिजली की फरहमी बेहतर हो सकती है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सकता है। सो इसके अंदर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट लॉन्ग टर्म इसमें जो है वो अवेलेबिलिटी और कम्युनिटी बेनिफिट्स हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अबंडेंट एंड कैन प्रोवाइड स्टेबल एनर्जी सप्लाई फॉर फ्यूचर जनरेशन अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड कम्युनिटी बेनिफिट्स। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स कैन एनहेंस लोकल डेवलपमेंट बाय इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इन रिमोट एरियाज। सो इस तरह से ये बाकी इलाकों के दूर दराज इलाकों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और बेहतर हो सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है वो इसमें अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी की जो है एडवांसमेंट्स इन इनोवेशन एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच कैन बूस्ट द कंट्री ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज देन ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस बाय अडॉप्टिंग कटिंग एज रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान कैन पोजिशन इटसेल्फ एज अ लीडर इन द ग्लोबल एनर्जी मार्केट। तो इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान जो है इसमें
जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर इनोवेशन को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रमोट कर सकती है। इसके अंदर सरमाकारी जरूरी है और जो बाकी जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज हैं वो भी बूस्ट हो सकती हैं। बाकी जो यानी कि कटिंग एज रिन्यूएबल जो टेक्नोलॉजीज हैं इनको अडॉप्ट करके पाकिस्तान को जो है अपनी पोजीशन को बेहतर बना सकता है खासतौर पर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में। सो शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्रूशियल फॉर पाकिस्तान एनर्जी सिक्योरिटी एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल देयर आर चैलेंजेस टू ओवरकम द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मेक अ कंपेलिंग केस फॉर investing in and developing renewable energy sources and embracing renewable can help Pakistan address its energy crisis, reduce environmental impact and drive sustainable development. तो इस तरह से जो renewable energy के sources के जो renewable energy sources हैं इनकी तरफ मुंतकली पाकिस्तान की तवानाई की सलामती मौलियाती सेहत मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। अगरचे इसके अंदर challenges मौजूद हैं लेकिन इसे एक बड़ी सत्ता के ऊपर फायदा उठाया जा सकता है और इस तवाने के बहरान को खत्म किया जा सकता है। इसके अंदर सरमायाकारी की जानी चाहिए और इसके अलावा पाकिस्तान जो है तवाने के बहरान से निकलने के लिए अपने हिकमत अमली बनाए और अपने मौलियाती असरात को कम करने के लिए हिकमत अमली बनाए और पायदार तरक्की के अंदर यानी कि पायदार तरक्की के लिए तवाने के बहरान का खात्मा जरूरी है। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं हाउ पाकिस्तान शुड कम्बैट फिफ्थ जनरेशन वार सक्सेसफुली। So, fifth generation warfare refers to a form of conflict where the boundaries between conventional and unconventional warfare are blurred, utilizing a mix of tactics to achieve strategies, objectives that relies heavily on information operations, cyber capabilities and psychological manipulation rather than traditional military engagements. Pakistan ko jo hai wo kamyabi se, yani jo fifth war hai, uski jang se kaise Pakistan ko nimatna chahiye to जो यानी कि फिफ्थ जनरेशन वार है जिसमें यह एक ऐसी जंग है जिसमें रवायती और गैर रवायती जो तरीके हैं उनकी उनकी सरहदें यानी कि उनकी जो है उनको यूज़ किया जाता है मतलब इन तमाम तरीकों को और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो स्ट्रेटजिक मकासद हैं वो हासिल किए जा सकें। जो रवायती फौजी मुकाबले हैं उनके बजाय ज़्यादातर जो मालूमाती ऑपरेशन हैं या साइबर हमले हैं या नफसियाती असरात हैं इनके ऊपर इनसार किया जाता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ फिफ्थ जनरेशन वार एड्रेसिंग फिफ्थ जनरेशन वार इज क्रूशियल बिकॉज इट लेवरेजेस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड सोशल डायनामिक्स टू अंडरमाइन नेशनल स्टेबिलिटी विदाउट कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शंस। सो इस तरह की जो जंग होती है फिफ्थ वार जनरेशन की जंग का सामना करना जरूरी है क्योंकि ये जदीद टेक्नोलॉजी समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं ताकि कौमों के जो इस्तेकाम है उसको मुतासर किया जा सके बगैर किसी रवायती फौजी कार्रवाई के। तो इसको कम जो है इसको कामयाबी से मुकाबला करने के लिए एक मुकम्मल हिकमत अमली की ज़रूरत होती है ताकि जो कौमी सलामती है या बाकी जो सोशल यानी कोऑर्डिनेशन है वो उसको बरकरार रखा जा सके। सो अंडरस्टैंडिंग द फिफ्थ जनरेशन वारफेयर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिफ्थ जनरेशन वारफेयर की तो इसमें जो है इसके अंदर जो बाकी जो रवायती फौजी ताकतें हैं इसमें फिफ्थ जनरेशन वार के अंदर बाकी रवायती तरीके गैर रवायती तरीके और जैसे साइबर हमले हैं प्रोपेगेंडा या मौशी दबाव है तो इनका एक साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसको आइडेंटिफाई करना इसका मौसर तरीके से जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो हाइबर यानी कि अटैक्स होते हैं और जो साइबर जंग के अंदर एक मुल्क के जो डिजिटल जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर हमले किए जाते हैं ताकि उनकी सर्विसेज को मुतासर किया जा सके मालूमात चोरी की जा सके बाकी जो मुआशी नुकसान है उस मुल्क को पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो हुकूमत का निज़ाम है या उनका इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है या निजी शोबे यानी कि उनके डेटा भी इस वार के अंदर चोरी हो सकता है। इसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन वारफेयर है इसमें यानी कि मालूमती जंग होती है इंफॉर्मेशन वारफेयर मैनिपुलेटिंग पब्लिक परसेप्शन इंफॉर्मेशन वारफेयर फोकसिंग ऑन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल सोशल आउटकम फॉर द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा तो दिस कैन स्टेबलाइज सोसाइटीज एंड एरोड ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा जो मालूमती जंग है उसका मकसद क्या होता है कि अवामी राय बनाई जाए और सियासी या समाजी नतज को जो जिन के मुतासर कर सकते हैं तो इसमें गलत मालूमात और जो प्रोपेगेंडा फैलाने की हिकमत अमली है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है जो मुआशरों को गैर मुस्तहकम कर सकती है। इसके अलावा नफसियाती ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर यानी कि नफसियाती ऑपरेशन होते हैं इसमें जो नफसियाती ऑपरेशन जो अफराद होते हैं या फिर ग्रुप होते हैं उनके रवैयों और उनकी सोच को मुतासर करने के लिए बनाए जाते हैं
और इसमें जो मालूमात को इस तरह से यानी पेश किया जाता था कि कन्फ्यूजन को फैलाया जा सके और मखसूस नजरियात को आगे बढ़ाया जा सके. सो एग्जांपल्स अगर हम देखें फिफ्थ जनरेशन वारफेयर की, तो इसमें जो है जब रूस की 2016 में अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत थी, वो एक वॉइस की एक वाज मिसाल थी. मीन सोशल मीडिया के जरिए जो यानी इंफॉर्मेशन है उसके जरिए मुदाखलत की गई थी और मतलब जो तनाजात हैं वो फैलाए गए थे और जो डिस इंफॉर्मेशन के जो कंपेन्स थी वो चलाई गई थी और इस तरह की जो हुकूमत अमली होती है और वो तबाह कौन यानी कि होती है किसी भी मुल्क के लिए. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो साइबर डिफेंस की को स्ट्रेंथ किस तरह से किया जा सकता है. इन्वेस्टिंग इन साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी डिफेंस इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर अटैक्स. दिस इंक्लूड्स सिक्योरिंग नेटवर्क डेटा एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स. तो इस तरह से जो है वो साइबर दिफा को मजबूत बनाया जाना चाहिए. साइबर सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी जरूरी है. साइबर हमलों से बचने के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना जरूरी है. इसमें नेटवर्क डेटा जो और इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है उसको सिक्योर करना, उसकी हिफाजत करना जरूरी है. बाकी जो इसके अलावा यानी कि शहरियों के अंदर जो साइबर आगाही है वो फैलाई जानी चाहिए और आवाम को जो है वो साइबर सिक्योरिटी की बेहतरीन हिकमत अमले के बारे में आगाह किया जाना चाहिए ताकि वो इन हमलों से खुद को बचा सकें. बाकी जो यानी कि साइबर हाइजीन है या अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं इनको जो है स्टार्ट करना चाहिए. और इसके अलावा जो है जिनके जो मीडिया है जो मौसलात का जिनके प्रोटोकॉल्स हैं उनको इस तरह से तरगीब देनी चाहिए. बाकी काबिल एतमाद जो मालूमात हैं उनको यकीनी बनाने के लिए मीडिया को गाइडलाइंस दी जानी चाहिए. बाकी जो झूठे यानी कि मालूमात होती हैं और उनकी पहचान करना उनसे निपटने की हिकमत अमली तैयार करना काफ़ी अहम होता है ताकि इस तरह के जो जिनके प्रोपेगेंडे हैं और उनको उनका मुकाबला किया जा सके और मुल्क को जो है इस तरह के साइबर अटैक से बचाया जा सके. कौमी इतिहाद की ज़रूरत होती है इसके अंदर फिफ्थ जनरेशन वार को यानी कि लड़ने के लिए और इसमें जो है मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके खिलाफ मज़ाहमत करनी पड़ती है. कम्युनिटीज जो लीडर्स होते हैं उनको इंतहा पसंदी के खिलाफ शामिल किया जाना चाहिए. उनको शामिल करने से जो है ये होगा कि जो सोसाइटी के अंदर इसका काम को बढ़ाने में मदद मिलेगी. सो की स्ट्रेटजी सक्सेसफुली कम्बैटिंग फिफ्थ जनरेशन वार इन्वॉल्विंग स्ट्रेंथन साइबर डिफेंस इज एनहेंसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बिल्डिंग सोशल रेजिलियंस डेवलपिंग एडवांस इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज प्रमोटिंग रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क्स एंड इम्प्रूविंग मिलिट्री एंड स्ट्रेटजीज रिस्पॉन्सिस. यानी जो फिफ्थ वार जनरेशन है इसे कामयाबी से निमटने के लिए साइबर दिफा मालूमाती सलामती बाकी जो मुआशरे के अंदर जो मज़ाहमत है या कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत होती है ताकि इस तरह के हमलों को रिस्पॉन्ड किया जा सके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन पाकिस्तान. एलोबरेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन पाकिस्तान. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रेफर्स टू गवर्नमेंट एबिलिटी टू फंक्शन स्मूथली विदाउट फ्रीक्वेंट चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसरप्शंस. इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन्वॉल्व्स सस्टेन्ड ग्रोथ इन वेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड. इन पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज ऑफन कंसीडर्ड क्रूशियल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. सो जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी इस्तेकाम और इक्तिसादी खुशहाली क्या है इससे मुराद ये हुकूमत का बगैर किसी मदाखलत के तनाज़ा के या बार बार तब्दीलियों के उसको के हमवार को के जो तब्दीलियों के हम यानी के जो इसके अंदर चेंजेस हैं या तब्दीली हैं उनके हमवार के तरीके से चलना है. जो इक्तिसादी खुशहाली है उसका मतलब क्या है कि दौलत और जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर मुस्तकिल इजाफा करना. और पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेकाम है वो अक्सर इक्तिसादी खुशहाली हासिल करने के लिए अहम समझा जाता है. सो हम इसके रोल देखेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. तो जो बैरूनी सरमायाकारी है इसमें सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना ज़रूरी है. सियासी इस्तेकाम सरमायाकारों के जो एतमाद है उसको बढ़ाता है. अगर मुल्क सरमायाकार जो है वो मुस्तहकम माहौल की तलाश में होते हैं ताकि जिनके वो उनको खतरात कम हो उनके बिजनेस के अंदर उनको नुकसानात का खदशा कम हो. जब किसी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम होता है तो फिर ये इस बात की अलामत होता है कि ये सरमायाकारी उस मुल्क के अंदर उनकी ज़्यादा महफूज है जो लोग सरमायाकारी करते हैं. फिर इससे जो गैर मुल्की जो बरह रास्त सरमायाकारी है उसके अंदर भी इजाफा होता है. देन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स
और इसमें जो सियासी माहौल जब यानी कि तवील मुद्दत का होता है, बड़ी मुद्दत का होता है, तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सनअत है या बाकी शोबे हैं, उनके अंदर सरमाकारी को मजीद उनको इनक्रेज मिलती है, और बाकी जो सरमाकारी है उसके अंदर इकतसादी तरक्की के अंदर मजीद यानी कि कंट्रीब्यूशन बढ़ जाती है। देन फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो सियासी इस्तेहकाम जो है हुकूमत को जो उनकी इकतसादी पॉलिसियाँ आती हैं उनको बार बार तब्दील किए बगैर जो है वो उनको बरकरार रखने के काबिल बना देता है, और बाकी जो पॉलिसियाँ होती हैं उनको मुसर उनके इकतसादी असलाहत में जो तरक्याती हिकमत अमली हों उनके लिए ज़रूरी है। बाकी यानी कि प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, यानी कि बड़ी मुदत तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की है मनसूबा बंदी है और इसके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। अगर ऐसा मनसूबा जो है तो काफ़ी अर्सक तक चलता रहता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती, तो फिर ये इकतसादी तरक्की के लिए बहुत अहम बन जाता है। देन इम्पैक्ट द पोलिटिकल स्टेबिलिटी ऑन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, डिस्ट्रप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस अनसर्टेनिटी एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस इसके अंदर आते हैं। तो इसके अलावा जो यानी कि तजारत है या सप्लाई चेन्स हैं, इसके पैदावार के अंदर भी अदम इस्तेहकाम जो है वो इसके लिए यानी कि चैलेंज साबित हो सकता है। और बाकी जो इसके जो सियासी अदम इस्तेहकाम होता है वो इक्तसादी अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाता है, फिर इसके नतीजे में करंसी की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है, इक्तसादी इस्तेहकाम और खुशहाली को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स, इन्फ्लेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन एंड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके अलावा जो इसके ऊपर जो असर पड़ता है यानी कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और करेंसी की फ्लक्चुएशन जो है इंक्रीज हो जाती है, सियासी दम इस्तेहकाम जो है वो इसके जो इक्तसादी या मौशी अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाता है। और इसके अलावा जो बाकी यानी कि पॉवर्टी है अनएम्प्लॉयमेंट इसमें इजाफा हो जाता है, बेरोजगारी की शरह बढ़ जाती है, इक्तसादी खुशहाली के लिए भी मजीद मुश्किल पैदा कर देता है। सो मेजर्स टू एनहेंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रूल ऑफ लॉ, इंश्योरिंग अडेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ एंड स्ट्रेंथनिंग जुडिशियल सिस्टम कैन कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जुडिशरी का जो सिस्टम है रूल ऑफ लॉ जो है वो अगर मजबूत होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर ये हेल्प कर सकता है, इसको मजीद मजबूत बना सकता है। बाकी जो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है यानी ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, गवर्नमेंट के अंदर अकाउंटेबिलिटी को जवाबदेह को प्रमोट करना स्टेबिलिटी को ट्रस्ट को बढ़ाता है। देन प्रमोटिंग पॉलिटिकल कंसेंसस, इंक्लूसिव पॉलिसीज डेवलप करना, लेटर इंक्लूसिव एड्रेसेस द नीड्स ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोटिंग स्टेबिलिटी। यानी किस तरह से स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है कि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं उनको रिड्यूस किया जाए और उनके दरमियान डायलॉग और नेगोशिएशंस को जो है वो प्रमोट किया जाए, उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके दरमियान डायलॉग्स को इनक्रेज किया जाए, स्टेक होल्डर्स जो है वो हेल्प कर सकते हैं इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने में एंड फोस्टिंग अ स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान, इट फोस्टर्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, सपोर्ट पॉलिसी कंटिन्यूटी, एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिस्ट्रप्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। टू अचीव सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज एसेंशियल फॉर पाकिस्तान टू फोकस ऑन इट्स स्ट्रेंथनिंग इट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड फोस्टरिंग अ स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पाकिस्तान की यानी कि इक्तसादी जो खुशहाली है वो सियासी इस्तेहकाम की एक बुनियादी ज़रूरत है, सरमायाकारी के एतमाद को फ़रोग देती है, पॉलिसियों का जो तसलसल है उसको सपोर्ट मिलती है, इक्तसादी जो असलाहत हैं उसके अंदर इजाफा होता है। बाकी जो सियासी अदम इस्तेहकाम होते हैं वो इक्तसादी सरगर्मियों गर्मियों को एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर देता है, बाकी जो समाजी इक्तसादी निज़ाम है उसके ऊपर काफ़ी मनफी असर डालता है, मुस्तकिल जो इक्तसादी तरक्की हासिल करने के अंदर रुकावटें डालता है। पाकिस्तान को अपने सियासी इदारों को मजबूत बनाना होगा, अपने मुस्तकम जो सियासी माहौल है उसको फ़रोग देना होगा। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्रिटिकली एवोल्यूज एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सीक्रेट आइडेंटिटी इन सब कॉन्टिनेंट, एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सीक्रेट आइडेंटिटी इन सब कॉन्टिनेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंस। सो एक्सप्लेन करना है व्हाई अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सीक्रेट आइडेंटिटी इज क्रूशियल फॉर ग्रेस्पिंग द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि मुसलमानों की जो अलग एक शनाख्त थी उसको समझना फिर बरसगीर की तारीख को समझने के लिए क्यों अहम है। तो
इसका मकसद ये है कि किस तरह बरसगीर में मुसलमानों की एक अलग शिनाख्त को जो है उसको तरक्की मिली और उसने कैसे अहम सियासी तब्दीलियां उसके अंदर जो है वो इवॉल्व हुई। तो अर्ली मुस्लिम आइडेंटिटी, इंडिया मुस्लिम सेटलमेंट एंड कल्चरल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। तो बरसगीर के अंदर जो मुसलमान थे उनकी एक अलग शनाख्त थी, उनका मजहब हो, उनके समाजी जो उनके सियासी शऊर के एक दूसरे से मुतलिफ था, हिंदू अक्सरियत से जो है उनके उनके रस्म व रिवाज मुतलिफ थे, और मुसलमान जो थे और हिंदू वो इब्तदाई दौर में उनके दरमियान ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जो सियासी समाजी और सकाफती तब्दीलियाँ थी वो मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान आई और उनके अलग 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 जो इनकी उनको शनाख्त का एहसास हुआ। सो अर्ली मुस्लिम इन्वेजन अगर हम देखें तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट वे ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी इमर्ज विद द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध इन 711 AD बाय लेट मोहम्मद बिन कासिम, हाउएवर इट वाज लिमिटेड इन स्कोप एंड रीजनल इन्फ्लुएंस। तो मुस्लिम जो फतवा थी या हुकूमत का उनका क्याम हुआ 8वीं से 16वीं सदी तक। तो मुस्लिम की मुसलमानों की जो शनाख्त की उसकी पहली जो लहर थी वो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की क्यादत में सिंध पर हमलों के बाद जिनके स्टार्ट हुई थी, और जो महदूद यानी कि सतह थी या इलाकाई असरात थे ये काफ़ी इसके इलाकाई असरात महदूद रहे। दैन दिल्ली सल्तनत जो है वो फिर कायम हुई 1206 से 1526 तक। तो इसमें जो यानी कि 13वीं सदी थी उसके आगाज़ में जो दिल्ली सल्तनत का क्याम था उसके साथ साथ जो मुसलमान हुक्मरानी के ने शुमाल जो शुमाली जो हिंदुस्तान था उसके सियासी मंजरनामा एक नया बना दिया। सल्तनत के दौर में जो इंतजामिया थी यानी कानून था जो मजहबी तौर तरीके थे उनके जरिए मुसलमानों ने अपनी मुस्लिम शनाख्त को उभारा। दैन कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड हिंदुज़म हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, तो उनके जो सकाफ़ती असरात थे उनके फारसी यानी कि दरबारी जबान बन गई थी मुसलमानों की, और मुस्लिम हुकूमत के जो तहत यानी जो फन थे फन तमीर थे उसको फ़रोग मिला था, और जो कई हिंदू इंतजामिया के अंदर सर्विसेज अंजाम देते थे लेकिन एक मखसूस अलहदगी उनको दी गई थी और लेकिन मुस्लिम शनाख्त को जो है वो फ़रोग दिया गया था। एंड देन मुग़ल अम्पायर, फिर मुग़ल यानी कि मुगलिया का दौर शुरू हुआ 1524 से 1707 तक जो के रहा। मुग़ल सल्तनत ने मुस्लिम सियासी गलबे को मजीद यानी कि आगे बढ़ाया। अकबर ने मजहबी मांगी यानी दीन रही की कोशिश की, बाद के हुक्मरान जैसे औरंगजेब थे उन्होंने सख्त इस्लामी कवानीन नाफिज किए जैसे हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फिर कशीदगी भी पैदा हो गई थी। सो सेनर क्रिटिज्म अंडर अकबर पॉलिसीज ऑफ प्लूरलिज्म एंड टॉलरेंस अटेम्प्टेड टू ब्रिज रिलीजियस गैप्स। औरंगजेब ऑर्थोडॉक्सी हिज एनफोर्समेंट ऑफ इस्लामिक लॉज लेड टू अ शार्पनिंग ऑफ हिंदू मुस्लिम डिस्कंशन का डिस्टिंक्शंस कॉजिंग रिसेंटमेंट अमंग हिंदूज। तो जो अकबर का यानी कि नज़रिया था उनके अकबर की जो यानी कि प्लूरलिज्म और बाकी जो रवादारी की पॉलिसियाँ थी उनके अंदर एक यानी कि काफ़ी एक जो है वो डिस्टेंस क्रिएट हो गया था। औरंगजेब की जो औरंगजेब जो बादशाह थे उन्होंने इस्लामी कवानीन के नफाज को हिंदू मुस्लिम के दरमियान यानी कि उनके जो नफाज था इस्लामी कवानीन का औरंगजेब की तरफ से उसने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फ़र्क को मजीद वाजे कर दिया और इसको मजीद बढ़ा दिया, फिर इससे हिंदुओं में जो है वो एक नाराज़गी और नफरत पैदा हो गई थी। देन कॉलोनियल पीरियड एंड राइज ऑफ द मुस्लिम आइडेंटिटी 18th to 19th century ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड मुस्लिम्स डिक्लाइन। और फिर बरतानवी जो फतह थी वो मुसलमानों के जवाल का शिकार बनी के 18 मुसलमान जो है वो जवाल का शिकार हो गए बरतानवी की फतह से। जो 18th century थी उसके दरमियान में जो बरतानिया के हाथों मुग़ल सल्तनत की शिकस्त हुई मुसलमान सियासी और समाजी मुआशी तौर पर सवाल का शिकार हो गए थे, और बरतानिया के लोगों ने मुसलमानों को जो है वो मुसलमानों के जो इनके हुक्मरान थे जब उनके ना उनको एक खतरात के तौर पर देखा और उनसे जो इनके फिर इससे जिनके मजीद मुसलमानों के हालात ख़राब हो गए। इसके बाद फिर जो है वो 1857 के अंदर जंग आज़ादी लड़ी गई और जंग आज़ादी का जो जिनके मुसलमानों को उसका मरकजी साजिशी समझा गया जिसकी वजह से फिर मुसलमान मजीद यानी पसमानदा हो गए थे अपने इक्तसादी लिहाज से अपने तलीमी लिहाज से। दैन इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डिसएडवांटेजेस यानी मुसलमानों को जदीद जो पेशे थे तलीम थी या कारोबार था उसमें हिंदुओं के मुकाबले में कम नुमाइंदगी दी जाती थी, और बरतानवी जिनके पॉलिसियों के तहत मुआशी तौर पर भी यानी कि हिंदुओं को ज़्यादातर तरक्की मिल रही थी।
रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने क्या रोल प्ले किया फिर इस यानी कि इस दौरान, तो उन्होंने फिर जो सर सैयद अहमद खान ने काफ़ी बहुत अहम किरदार अदा किया मुसलमानों को उनकी शनाख्त को आइडेंटिफाई करवाने में। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि वो जदीद तलीम हासिल करें तभी वो यानी कि अंग्रेज़ों के साथ कॉपरेट कर सकते हैं और अपने हकूक हासिल कर सकते हैं। अगर मुसलमान जदीद तलीम हासिल नहीं करेंगे तो मुसलमान के जो हैसियत है वो फिर से बहाल नहीं हो सकेगी। तो उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाई 1875 के अंदर। इस ये जो तहरीक थी, इस तहरीक ने जो है वो खास तौर पर साइंसी और अंग्रेजी जो जदीद तलीम थी उनके ऊपर जोर दिया ताकि मुसलमानों को बख्तियार बनाया जा सके। इसके बाद टू नेशन थ्योरी आई यानी कि सैयद इनिशियली प्रमोटेड मुस्लिम हिंदू यूनिटी। He later argued that Muslims were a distinct nation with a separate cultural, religious and political needs. फिर इस जो यानी कि उनका दो कौमी नजरिया था उसमें सैयद अहमद खान ने मुस्लिम जो हिंदू इतिहाद थी उसकी यानी कि स्टार्ट में उसकी वकालत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मुसलमान एक अलग कौम है और उनका सकाफती मजहबी और सियासी नजरियात हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं, लिहाजा ये कौमें एक दूसरे के अंदर जम नहीं हो सकती और एक अलग मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की जो है जरूरत महसूस हुई। और बाकी जो सर सैयद अहमद खान की जैन की अलीगढ़ मूवमेंट थी और बाकी जो तहरीक इस्लाम के बुनियाद के बेस के ऊपर जैन के स्टार्ट हुई थी बड़े सगीर के अंदर मुख्तलिफ रहनुमाओं की क्यादत में, वो बाद में फिर जैन की सियासी बन गई और उन्होंने पाकिस्तान के क्याम के अंदर काफ़ी जो है अपना अहम किरदार अदा किया था। और इसके फिर जब मुसलमानों को अपने यानी कि 1937 के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिली थी और उसके नतीजे में जो मुसलमान थे उनको जो है इसमें हर सतह के ऊपर जो है उनके साथ फर्क किया जाता था। फिर मुसलमान को ये महसूस हुआ कि उनको एक अलग वतन की ज़रूरत है और फिर उन्होंने यानी कि दो कौमी नज़रिया दिया और उसके ऊपर फिर अमल करने के हवाले से अपनी कोशिश शुरू कर दी। तो फिर उसके नतीजे में जो है वो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया।